हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स एंड इन दिस वीडियो वी विल डू एक्सरसाइज 1.1। आई होप आप इस वीडियो को बहुत ही केयरफुली देखेंगे और सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह समझेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन या किसी स्टेप में प्रॉब्लम या कन्फ्यूज़न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करें या आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन हम आपको एज सून एज पॉसिबल प्रोवाइड करा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन मीन्स हम इंडियन सिस्टम में नंबर्स को कैसे राइट करते हैं, क्या प्रोनाउंसिएशन होती है उसकी, किस तरह से उसको राइटिंग करने का मेथड होता है, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। प्लेस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग किस तरह से हम नंबर्स को रीड करते हैं वो सबसे पहले हमें क्लियर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक मैं आपको प्लेस वैल्यू चार्ट इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत इजी है, कुछ भी इसके अंदर हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है, ये आपने पढ़ रखा है। तो सबसे पहले होता है वंस, टेंस, हंड्रेड, यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। वंस, टेंस, हंड्रेड, फिर होता है हमारे पास थाउजेंड, फिर टेन थाउजेंड, क्लियर। इसके बाद होता है हमारे पास लैक और टेन लैक, इसके बाद हमारे पास होता है करोड़ एंड देन टेन करोड़, यानी वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक, टेन लैक, करोड़, टेन करोड़, ये हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन होता है प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो पहली पोजीशन वंस यानी यूनिट डिजिट होती है, सेकंड टेंस होता है, थर्ड पर डिजिट पर हमारा होता है हंड्रेड, फोर्थ डिजिट पर थाउजेंड, फिफ्थ डिजिट पर टेन थाउजेंड, ठीक है, सिक्स डिजिट पर लैक, सेवन डिजिट पर टेन लैक, ठीक है, और उसके बाद एट डिजिट पर हमारा करोड़ एंड नाइन डिजिट पर हमारा क्या हो जाएगा, टेन करोड़ हो जाएगा। ओके, तो ये आपको बहुत ही अच्छे तरह से लर्न होना चाहिए, ठीक है। अभी इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे, इससे अब हम इंटरनेशनल के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है, न्यूमरेशन मीन्स नंबर्स को राइट करने का जो तरीका है वो क्या है। दोनों में आपको मैं सिमिलरिटीज भी बताऊंगा और दोनों में आपको डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा, कंपैरिजन भी हमें करना है, क्योंकि इसके बेस पर हमारी ये एक्सरसाइज 1.1 होनी है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन दोनों का यूज इस एक्सरसाइज 1.1 में हमें करना होगा। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको सिमिलरिटी बता रहा हूं, वंस, टेंस और हंड्रेड ये सेम होते हैं, ठीक है। और क्या है यहां पर, उसके बाद हमारे पास थाउजेंड है, टेन थाउजेंड है, ठीक है, और फिर हंड्रेड थाउजेंड है। इंटरनेशनल में हमारे पास थ्री थ्री डिजिट्स होती हैं, ठीक है, इसके बाद थाउजेंड के बाद हमारे पास स्लॉट बनता है, वो मिलियन का बनता है, तो यहां पर मिलियन हो गया, एम फॉर मिलियन, देन टेन मिलियन, टेन हंड्रेड मिलियन, करेक्ट। तो यहां पर जो ये स्लॉट बना हमारा, ये थाउजेंड का स्लॉट है, ठीक है, टी एच यू एस ए एंड थाउजेंड, ओके, एंड ये जो हमारा स्लॉट बना ये हमारा मिलियन का, मिलियन, ठीक है, ये थाउजेंड का ग्रुप हो गया, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, और मिलियन का हमारे पास हो गया मिलियन, टेन मिलियन और हंड्रेड मिलियन, करेक्ट। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। वंस, टेंस, हंड्रेड दोनों में सेम होते हैं, इंडियन में भी और इंटरनेशनल में भी, ठीक है। इंडियन में क्या करना है आपको, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, यानी टेन टेन का मतलब टेन में टू डिजिट होती हैं, तो टू टू पर आपको क्या करना होता है, कॉमा प्लेस करना होता है। इसी तरह से लैक, टेन लैक, टू प्लेस हो जाएंगे, करोड़, टेन करोड़, टू प्लेस हो जाएंगे, जबकि हमारे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड में थ्री डिजिट यानी थ्री थ्री के बाद कॉमा प्लेस करना होता है।
मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। अभी ये हमने दोनों आपको बता दिए, अब हम दोनों का आपको क्या बता देते हैं, क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। अभी आप देखिए, एक टेबल मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या चीज़ हमारी सिमिलरिटीज के साथ होगी, क्या चीज़ हमारी डिसिमिलरिटी होगी, वो मैं आपको यहाँ शो कर रहा हूँ, ठीक है। क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज़ है, तो दोनों के लिए एक तो हमारा ये कॉलम बन गया है, ठीक है। वंस, टेंस, हंड्रेड, वंस, टेंस, हंड्रेड, क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद इसको मैं थोड़ा इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, आप देख लीजिए। इसके बाद हमारा थाउजेंड और 10,000, ठीक है। उसके बाद लैक और 10 लैख, इसके बाद हमारा करोड़ एंड 10 करोड़, करेक्ट। अब इसके बाद नीचे देखिए आप, नीचे हमारा जो है 1000, 10,000, ऊपर 10,000 था ये, ठीक है, 10,000, और इसके बाद 100,000, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। अभी देखिए यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, वंस सेम है, टेन सेम है, हंड्रेड सेम है, थाउजेंड सेम है, 10,000 सेम है, बट हमारा जो लैक होता था वो इंटरनेशनल का 100,000 के इक्वल है। नीचे इंटरनेशनल वाला है, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, और ऊपर हमारा इंडियन सिस्टम है, ठीक है, ये वाला हमारा इंडियन सिस्टम है और ये इंटरनेशनल। अभी हमारा 1000 सेम है, 10,000 सेम है, हमारा इंडियन का लैक और इनका 100,000 इक्वल होगा। इसी तरह से हमारा 10 लैक इनके मिलियन के इक्वल होगा, हमारा 1 करोड़ इनका 10 मिलियन के इक्वल होगा, और हमारा 10 करोड़ इनका 100 बिलियन के इक्वल होगा, ठीक है। तो इंडियन और इंटरनेशनल के कौन कौन से सेम होते हैं, किसको हम क्या बोलते हैं, वो आपको कन्फर्म होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी के बेस पर हम आगे क्वेश्चन करेंगे, क्लियर। चलिए आइए अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 फिलिप्स का क्वेश्चन है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम आज करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन 1 को रीडिंग कर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर फिलिप्स आप देख रहे हैं, ठीक है, 1 लैख इज इक्वल टू डैश 10,000, 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश 100,000, 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 लैख, 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश मिलियन एंड 1 मिलियन इक्वल टू डैश लैख। तो यहाँ पर आपके पास इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन दोनों का यूज़ है। मींस इंटरनेशनल सिस्टम में हम नंबर्स को कैसे राइट करते हैं, इंडियन सिस्टम में हम नंबर्स को कैसे राइट करते हैं, वो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहले उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, देन वी विल डू क्वेश्चन नंबर 1। चलिए सबसे पहले इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को हम समझ लेते हैं, ओके। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में रिलेशन एक्सप्लेन कर देते हैं। चलिए यहाँ पर मैं एक आपको टेबल ऑलरेडी बना चुका था आपके लिए, वही टेबल मैं दोबारा यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि उससे मैं आपको दोनों सिस्टम्स में रिलेशन एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है, और ऊपर हमारे पास इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, क्लियर। अभी दोनों में हम आपको रिलेशन बता देंगे, जिससे आप फिलिप्स को इजीली कर पाएंगे, क्लियर। वंस, टेंस, हंड्रेड, ठीक है, वंस, टेंस, हंड्रेड, ये आपको मालूम है। इसके बाद थाउजेंड, 10,000, ठीक है, थाउजेंड, 10,000, दोनों जगह। अब ऊपर हमारे पास यहाँ तक क्लोज हो जाता है और यहाँ पर हमारा 100,000 और आ जाता है, ठीक है। इसी तरह ऊपर हो जाता है हमारे पास लैक और 10 लैक, फिर क्लोज हो गया। इसके बाद हमारा बन जाता है
थाउजेंड के बाद मिलियन, ठीक है, 10 मिलियन, ओके, एंड देन 100 मिलियन, क्लियर। और ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगा, ठीक है, करोड़ बन जाएगा, ठीक है, एंड 10 करोड़ बन जाएगा। अभी हमने आपको करोड़ तक का, 10 करोड़ तक का और 100 मिलियन तक का यहाँ पर राइट कर दिया। अभी हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों में हमको रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी फ़िलिप्स क्या है। 1 लाख इज इक्वल टू 10,000, यानी लाख और 10,000 का आप यहाँ देखेंगे रिलेशन। तो सबसे पहले हम लाख पर जाते हैं, दिस इज लाख, यहाँ पर मैंने यहाँ पर मार्क करके दिखा दिया आपको, ये लाख है, और हमें दिखाना है 10,000 में, तो 10,000 हमारे पास दिस वन। जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, एक एक जीरो एडिशनल होता जाता है, बढ़ता चला जाता है डिजिट में, ठीक है, 1 डिजिट है यहाँ पर, या 2 डिजिट, 3, 4, 5, 6, ऐसे इस तरह से डिजिट बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है। यानी 1 लाख है तो 1 के आगे 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 डिजिट होंगी 1 के आगे, ठीक है। 10,000 है तो 10 के आगे 1, 2, 3, 4, यानी 1 के आगे 40 होंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे दोनों जो रेगुलर इंटरवल पर हमारे प्लेस वैल्यूज़ हैं उनमें 0-0 का डिफरेंस है। जैसे मैं अगर 1 लाख की बात कहूँ, ठीक है, तो 1 लाख में हमारे पास 1,000,000, ठीक है। और 10,000 की अगर हम बात करेंगे, 10,000 राइट करना हो, ठीक है, तो हम क्या राइट करेंगे, 10,000। अभी आप इन दोनों की कंपैरिजन कीजिए, 1 लाख में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 जीरो हैं, 10,000 में 1, 2, 3, 4 जीरो, यानी 1 जीरो इंक्रीज है, ठीक है, 1 लाख में। तो जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे, एक एक जीरो आपका बढ़ता चला जाएगा। तो अब आप यहाँ देख लीजिए, लाख और 10,000 की बात हुई है, तो यहाँ पर हमारा जो डिवीज़न बना वो 10 का बना है ना, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 को, तो लाख बन जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा जो फ्लैप से पहला वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है, 1 लाख इक्वल टू 10,000 हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं मिलियन और 100,000 की। अभी हम आ जाते हैं इस टेबल पर, मिलियन पर हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद 100,000 की हम मार्क कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं दोनों रेगुलर इंटरवल पर हैं। अगर 100,000 में 1 जीरो इंक्लूड हो जाए तो मिलियन हो जाएगा, यानी यहाँ भी 10 का डिवीज़न हो गया आपका, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास ये आंसर भी 10 आ जाएगा। तो 1 मिलियन में 100,000 हो जाते हैं। अब बात करते हैं 1 करोड़ और 10 लाख, 1 करोड़ एंड 10 लाख की, चलिए यहाँ पर हम रिलेशन देख लेते हैं। यानी हमको क्या करना है, सबसे पहले 1 करोड़ पर मार्क करना है, दिस इज़ द 1 करोड़, क्लियर, दिस इज़ 1 करोड़, एंड 10 लाख दिस वन, राइट। अभी आप यहाँ देखिए रेगुलर इंटरवल पर है, 10 लाख में 1 जीरो इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये करोड़ बन जाएगा, ठीक है, 10 लाख में जैसे 1 जीरो बढ़ेगा तो करोड़ बन जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से यहाँ तक 10 डिवीज़न है, इट मीन्स ये भी हमारे पास 10 बन जाता है। 1 करोड़ का ही हमें मिलियन से रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो 1 करोड़ दिस वन एंड मिलियन दिस वन। देखिए अब यहाँ पर क्या चीज़ है, हम करोड़ को 10 मिलियन यहाँ पर बोलते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वंस, टेंस, 100 सेम है, 1000 सेम है, 10,000 सेम है, लाख को हम 100,000 बोलते हैं, 10 लाख को हम मिलियन बोलते हैं, करोड़ को हम 10 मिलियन बोलते हैं, और 10 करोड़ को 100 मिलियन बोलते हैं। तो यहाँ पर करोड़ का मतलब 10 मिलियन हो गया, यानी 10 मिलियन और मिलियन में हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो फिर से रेगुलर इंटरवल है, ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे मिलियन में, 10 मिलियन बन जाएगा, इट मींस हमारे पास करोड़ और 10 लाख दोनों सेम वही क्वांटिटी हो गई जो 10 मिलियन और मिलियन है, ठीक है। तो करोड़ और 10 लाख का जो रिलेशन है वही 10 मिलियन और मिलियन का रिलेशन है, 10-10 का डिवीज़न हो जाएगा, यानी हमारे पास 1 करोड़ इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 मिलियन हो जाएंगे। इसी तरह 1 मिलियन की अगर बात करें, मिलियन हमारे पास ये रहा, ठीक है, ये मिलियन है, और लाख की बात करें, लाख मिलियन को हम 10 लाख बोल रहे हैं, यानी 10 लाख और लाख में क्या रिलेशन हुआ, लाख में 10 इंक्लूड होने पर 10 लाख बन जाता है, तो 10 लाख को हम मिलियन बोल रहे हैं, लाख को हम 100,000 बोल रहे हैं, तो यानी मिलियन और 100,000 में क्या रिलेशन था, 10 का, तो 10 लाख और लाख में भी 10 का रहेगा, इट मीन्स मिलियन और लाख
में भी 10 का रहेगा, तो ये आपका बन गया 10 मिलियन को हम 10 लाख कह रहे हैं, 10 लाख और लाख में 10 का है, तो ये मिलियन और लाख में भी 10 का कहा जाएगा। तो आपके पास ये फिलअप्स कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले रीडिंग कर लेते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरल्स। आपको कॉमा लगाना है, इंसर्ट करना है कॉमा, और न्यूमेरल्स को राइट करना है, यानी नंबर राइट करना है। तो यहाँ पर आपको वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, यानी जो न्यूमेरल्स है यानी नंबर है उसका नेम आपको दे रखा है, आपको नंबर में उसको राइट करके दिखाना है और कॉमा लगाना है। चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारे पास कौन सा है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है 73,75,307। तो ये हमारा लैक थाउजेंड जो हमारा आता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में आता है। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू आप राइट कर लेंगे, उसके नीचे हम जो हमें गिवन नंबर्स हैं डिजिट्स हैं वो राइट करनी है। चलिए राइट करते हैं। सबसे पहले वंस, टेंस, हंड्रेड, ठीक है, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, क्लियर, लैक और 10 लैक, ये डिजिट्स हमने राइट कर ली हैं। अभी हमारे पास सबसे पहले है 73 लैक। यहाँ पर आप देखिए 73 जो है लैक की टर्म है, तो 73 टू डिजिट नंबर है, तो 73 दिस वन ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, 73 लैक हमारे पास हो गए हैं। थाउजेंड की हम टर्म देखेंगे, तो 75 जो है दिस वन, ये 75 जो है थाउजेंड की टर्म है, तो 75 टू टर्म होती हैं, टू डिजिट होती हैं, तो 75 हमने यहाँ राइट कर दिया दिस वन। इसके बाद है 300, हंड्रेड के नीचे 3 राइट कर देंगे, 107 है, 307, तो 307 हो जाएगा। टी यानी टेंस की प्लेस पर कुछ नहीं है, 0 राइट कर। अब कॉमा लगाना है, तो वंस, वंस, टेंस, हंड्रेड, दिस वन, इन 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप कैसे लगाएंगे देख लीजिए, वंस, टेंस, हंड्रेड, कॉमा लगा देंगे, फिर थाउजेंड, टेन थाउजेंड के बाद कॉमा लगा देंगे, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कॉमा आ गया, तो हमारे पास क्या बन गया, ठीक है, 73,75,307। तो आपके पास जो टोटल बन गया वो बन गया 73,75,307, ये हमारे पास डिजिट आ गया, क्लियर। चलिए अब देखते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे पास है 9,05,41,000। तो करोड़ तक जा रहे हैं, तो करोड़ तक सबसे पहले प्लेस वैल्यू राइट करेंगे, वंस, टेंस, ठीक है, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, ठीक है, लैक, 10 लैक एंड करोड़। तो सबसे पहले आप देखिए 9 करोड़ है, ठीक है, तो 9 करोड़ के नीचे अपने 9 आ जाएंगे, 9 करोड़, देन पर रीडिंग करेंगे 5 लैक, लैख की डिजिट 5 होगी, तो लैख के अंडर हम 5 ले राइट कर देंगे। इसके बाद है 41 का मीन्स वंस टेंस, तो सबसे लास्ट में आ गया। बाकी जितनी भी डिजिट बचेंगी सबको 0 कर दीजिए, 10 लैख पर 0 हो गया, 10,000 पर 0 हो गया, 1,000 पर 0 हो गया और 100 पर 0 हो गया। तो अब कॉमा पुट करना है, वंस टेंस हंड्रेड, तो आप 3 के बाद कॉमा लगा देंगे, 1,000, 10,000 टू के बाद कॉमा लगा देंगे, टू प्लेस बाद, और लैख 10 लैख टू प्लेस बाद कॉमा लगा देंगे, तो आपका आ गया 9,05,00,041। ये आपका ये आंसर हो चुका है, ठीक है, इसी तरह से करना है। अब देखते हैं हम सी पार्ट। 7 करोड़ ये आपके पास है, ठीक है, 7,52,21,302। तो पहले हम देखते हैं करोड़ तक दे रखा है, तो करोड़ की डिजिट देखेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड राइट कर लेंगे, थाउजेंड, ठीक है, 10,000, करेक्ट, लैख, 10 लैख एंड करोड़। तो सबसे पहले आप देखिए करोड़ की डिजिट क्या है, करोड़ की डिजिट है 7, दिस वन, तो 7 राइट कर दीजिए। इसके बाद है 52 लैख
52 लाख, यानी लाख की डिजिट 52 है, लाख के नीचे 52 आ गया, दोनों डिजिट कवर हो गई हैं। इसके बाद है हमारे पास 21,000, 21 टू डिजिट होती हैं, 1,000 के नीचे 21 आ गया, दोनों डिजिट कवर हो गई हैं। उसके बाद है 300, 100 के नीचे 3 आ जाएगा, 302 है तो वंस वाले प्लेस पर 2 और टी वाले पर यानी टेंस पर 0 कॉमा लगाना है। वंस टेंस 100 के बाद कॉमा लगेगा, कॉमा लग गया है। 1,000 10,000 के बाद कॉमा लगेगा, पुट हो गया है। लैक 10 लाख के बाद कॉमा लगेगा, ये लगेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया है, 7,52,21,302, ये हमारे पास हो गया है। तो हमारा 7,52,21,302 राइट हो गया है। इसके बाद हम करेंगे डी पार्ट, ठीक है। डी पार्ट में 58,423,202, तो ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है। इंटरनेशनल सिस्टम में वंस टेंस 100 होता है, ठीक है। इसके बाद 1,000 10,000 और 100,000 होता है। इसके बाद हमारे पास होता है मिलियन और 10 मिलियन और 100 मिलियन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 58 मिलियन आपको दे रखा है, यानी टू डिजिट हैं, तो हमारा 10 मिलियन तक जाएगा। तो हम लिखेंगे 10 मिलियन के नीचे 58, ठीक है। 100,000 के नीचे क्या लिखेंगे, 1,000 के नीचे क्या लिखेंगे और 10,000 के नीचे क्या लिखेंगे, वो पूरी 3 की डिजिट होती है। तो 3 की डिजिट हमारी 1,000 वाली होगी, तो यहाँ पर क्या डिजिट दे रखी है, 423 कंप्लीट डिजिट हो गई है। तो ये हमारा 1,000 वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद 100 वाली देखते हैं, 100 में हमारे पास क्या है, 202 ये हमने राइट कर दिया। तो आप क्या करते हैं, 33 के डिजिट लेते हैं। 10 मिलियन में हमारे पास दो डिजिट होती हैं, अगर 100 मिलियन एक और डिजिट होती तो 100 मिलियन भी हमारा कंप्लीट हो जाता। तो अभी हमारा क्या बन चुका है, 58,423,202, इसमें कॉमा कैसे लगेगा, 33 के बनेगा। हम का स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे लास्ट से, 202,123, यानी 3 डिजिट ले लेंगे, 3 डिजिट हो गई हैं, कॉमा लग गया है। तो हमारा आंसर आ गया 58,423,202। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है इसका, 23,30,010, लाख तक जाना है और लाख में हमारे पास टू डिजिट है 23, यानी 10 लाख तक हम राइट करेंगे। तो लाख वाला पोर्शन हमारा 10 लाख तक जाएगा। तो वंस टेंस 100, ठीक है, 1,000 राइट कर दिया, फिर 10,000 राइट कर दिया, लाख और 10 लाख। तो कौन कौन सी डिजिट हो गई, 23 लाख है, तो 23 लाख हमारे पास डबल डिजिट हो गई है, लैक के अंडर आ गया है। 30,000, ठीक है, यानी 10,000 के डिजिट में 30 आ जाएगा। और उसके बाद क्या है आपके पास, 10 है, ठीक है, तो 10 आप यहाँ राइट कर देंगे, ठीक है, 30,010, तो 100 के प्लेस पर कुछ नहीं है, 0 पुट कर देंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा, वंस टेंस 100, एक कॉमा लगा देंगे, ठीक है, 1,000 10,000 पे एक कॉमा लगा देंगे, तो 23,30,010, ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो जाएगा कंप्लीट। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में राइट करके हमसे पूछ लीजिएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। बिल्कुल सेम वही है जैसे अभी हमने किया था, बट इसमें आपको नंबर्स दे रखे हैं और नेम आपको राइट करना है। तो सबसे पहले नंबर्स राइट करने के बाद उनके ऊपर प्लेस वैल्यू राइट कीजिए, जिससे हमें पता लग जाए कि हमें क्या करना है। तो ए पार्ट हमारा जो है, हम उसको राइट कर लेते हैं सबसे पहले, 8,7,5,9, ठीक है, 5,7,6,2, ये हमारे पास डिजिट है, 8,7,5,9,5,7,6,2। अब इसके ऊपर आप प्लेस वैल्यू इंडियन के अकॉर्डिंग लीजिए, वंस टेंस 100, ठीक है, 1,000, ये 10,000 की डिजिट हो गई है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लैक 10 लाख एंड करोड़, ठीक है, वंस टेंस 100,000 10,000 लैक 10 लाख एंड करोड़। अभी हमें सबसे पहले कॉमा पुट कर देना है, लास्ट से हम 3 डिजिट काउंट करेंगे, वंस टेंस 100 की, फिर 22 की डिजिट लेंगे, 5,9,7,5,5,7, तो ये हो गया। तो हमारे पास है 8,75,95,762, ये हमारे पास
राइटिंग हो गई, अब हम इसका नेम राइट करेंगे। तो सबसे पहले करोड़ की डिजिट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे हाईएस्ट जो प्लेस वैल्यू है करोड़ है, तो करोड़ करेंगे तो करोड़ के नीचे एट है, तो इट मीन्स हमारा आंसर बनेगा एट करोड़, एट करोड़, ठीक है। उसके बाद टेन लैख की डिजिट, लैख की डिजिट डबल डिजिट है, 75 है, 75 लैख हो जाएंगे, ठीक है। लैख की डिजिट हमारे पास कौन कौन सी है, 75 यानी 75 है, 75 लिखने के बाद लैख लिख देंगे, ठीक है। 75 लैख, ठीक है, 75 लैख हो गया। अब हम थाउजेंड की डिजिट देखेंगे, थाउजेंड में भी टू डिजिट है, टू डिजिट को कवर करेंगे, 95 लिखेंगे, 95,000 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 95,000, ठीक है, 95,000 हो गया। अब 100 की डिजिट 7 है, तो 700 राइट कर देंगे, 700, ठीक है। एंड टेंस और यूनिट डिजिट हमारे पास 62 है, 62 हो गया, देन राइट डाउन 62, ठीक है, ये हमारा आंसर। तो आंसर हो गया 8,75,95,000 एंड क्या बन गया, 762, ये हमारा आंसर हो गया है, क्लियर। चलिए वीडियो को पॉज कर करके आप ये राइट कर लीजिएगा, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसका बी पार्ट, ठीक है। बी पार्ट की हमारे पास डिजिट क्या है वो हम ये देख लेते हैं, ठीक है, उसके राइट कर लेते हैं, 8,54,62,83, दिस वन, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, वंस टेंस हंड्रेड पे कॉमा लगा देना है, ठीक है, कॉमा हमारे पास आ गया है टू के बाद, इसके बाद 64 ये हमारे पास कॉमा लग गया है, वंस टेंस हंड्रेड प्लेस वैल्यू राइट कर देंगे, ठीक है, थाउजेंड और 10,000, इसके बाद लैक एंड 10 लैक। अभी आप देख रहे हैं हाईएस्ट हमारे पास लैक वाली डिजिट हैं, 10 लैक तक हैं, तो 85 को कवर करेंगे टू डिजिट, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, 85 लिख देंगे, ठीक है, 85 लैक, ठीक है। इसके बाद थाउजेंड की डिजिट हमारे पास 46 हैं, ठीक है, तो दोनों डिजिट कवर होंगी थाउजेंड के अंदर, 10,000 और थाउजेंड दोनों, तो 10,000 पर 4 है, 1,000 पर 6 है, तो 46 हो गया, ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास 46,000, ठीक है, 1,000 एंड 100 पर हमारे पास 2 है, तो 200 हो जाएगा, 200 और 83, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 85,46,283, ओके, बी पार्ट कंप्लीटेड। नाउ कम्स ऑन द सी पार्ट, सी पार्ट हमारे पास क्या है, चलिए सबसे पहले राइट कर लेते हैं डिजिट को, 9,9,9, 1,2,3,0 एंड 4,6, दिस वन। सबसे पहले प्लेस वैल्यू हमने राइट कर लिया है, 1,10,100, ठीक है, कॉमा राइट कर दिया है यहाँ पर, उसके बाद 1,000 एंड 10,000 कॉमा पुट कर दिया है, इसके बाद लैख 10 लैख कॉमा पुट कर दिया है, 9 पे करोड़ हो गया। तो करोड़ की हाईएस्ट डिजिट है, तो इससे पे इसके नीचे हमारे पास 9 है, तो 9 करोड़ हम राइट कर देंगे, ठीक है, 9 करोड़। लैख 10 लैख की डिजिट हमारे पास डबल हैं, तो दोनों कवर हो जाएंगी 99 में, लैख बन जाएगा, तो राइट कर देंगे इसको 99 लैख। 1,000 10,000 पर कुछ नहीं है, 100 पर कुछ नहीं है, केवल हमारे पास 46 की डिजिट वंस टेंस वाली है, तो 46 राइट कर देंगे हम, ठीक है, 46। तो हमारे पास डिजिट बन गई है 9,99,46, दिस वन, सी पार्ट कंप्लीटेड। इसके बाद लास्ट डिजिट है हमारे पास डी पार्ट, इसको राइट कर लेते हैं, 9,84,32,701, प्लेस वैल्यू राइट कर देते हैं, वंस टेंस हंड्रेड कॉमा 1,000 एंड 10,000,
ठीक है, कॉमा लैक 10 लैक कॉमा एंड करोड़। हाइयर डिजिट हमारे पास 9 है जो करोड़ पर है, तो 9 करोड़ हो जाएंगे, 9 करोड़। 84 लैक की डिजिट है तो 84 लैक हम राइट कर देंगे, 84 लैक। 1000 की डिजिट हमारे पास 2 है, 32 तो राइट कर देंगे, 32, ठीक है 1000 बन जाएगा 1000। और 700, 100 की डिजिट हमारी 7 है, 700। और 1 हमारे पास, क्योंकि 10 की डिजिट हमारे पास कुछ नहीं है, तो ये आ गया 9,84,32,701। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में राइट करके पूछ लेना। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, क्लियर। इंसर्ट द कॉमा सटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेमोरी। इंटरनेशनल में राइट करना है, ए पार्ट हमारे पास क्या है उसकी डिजिट हम राइट कर लेते हैं, 7, 8, 9, 2, 1, 0, 9, 2। इंटरनेशनल में 3-3 की हमारे पास कॉमा लगते हैं, ठीक है, तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 ये कॉमा लगा दिया। उसके बाद आप देखिएगा, ये जो हमारे पास स्लॉट होते हैं, एक हमारे पास 1000 का होता है, एक हमारे पास मिलियन का होता है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो 3-3 वाली डिजिट एक साथ रीडिंग करके 1000 लगा देंगे, 3 वाली डिजिट एक साथ जो है रीडिंग करके हम मिलियन लगा देंगे। यहाँ जहाँ पर आपके पास 2 डिजिट होगी तो 2 डिजिट को ही लर्न करना है, राइट करेंगे आप उसी को 2 को ही, ठीक है। और इसी तरह से अगर 3 होंगी तो 3 डिजिट को राइट करेंगे और मिलियन लगा देंगे, तो हाईएस्ट वाले को सबसे पहले लेना है, ठीक है। चलिए तो अब क्या करना है देख लीजिए। सबसे पहले हम इस पर राइट कर लेते हैं 1s, 10s, 100, ठीक है। इसके बाद 1000, इसके बाद आएगा 10,000, इसके बाद आ जाएगा 100,000, इसके बाद आ जाएगा मिलियन और 10 मिलियन, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या बन जाने वाला है, 10 मिलियन का मतलब 78, ठीक है, तो इसको हम राइट कर देंगे 78 मिलियन, ठीक है, मिलियन वाली टर्म आ गई है। अब 1000 वाली के लिए 921 लिखेंगे, 9, क्योंकि 3 डिजिट एक साथ रीडिंग की जाती हैं, 920, 21 और 1000, ठीक है, 1000 हो गया। और लास्ट डिजिट हमारे पास बची है 92, राइट, ये हमारे पास बन गया। तो 78,921,092 ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास दिस वन, 7, 4, 5, 2, 2, 8, 3। तो हमने 3-3 का कॉमा लगा लिया है, ठीक है, ये हमारी मिलियन, ये हमारे 1000, ठीक है, और ये हमारी जो डिजिट है लास्ट वाली 100, 10s और 1s की डिजिट है, तो 7 मिलियन हो जाएंगे, 7 मिलियन, ठीक है। 452 को रीडिंग करेंगे, 452, और ये डिजिट हमारी 1000 की है, 1000 की डिजिट होती है, तो ये हो जाएगा 452,000। और 100 पर हमारा 2 आ रहा है, ठीक है, ये 100 है, 1s, 10s, 100, 100 की डिजिट 2 है, 200 राइट कर देंगे, 2, 100 and 83, तो हमारा जो आंसर बना 7,452,283 ये हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है सी पार्ट हमारे पास दिस वन, डिजिट राइट कर देते हैं 9,9,8,5,102। 3-3 के बाद हमने कॉमा लगा दिया है, 1s, 10s,
हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, ठीक है, इसके बाद मिलियन एंड टेन मिलियन। तो डबल डिजिट टेन मिलियन की हमारे पास रेडिंग है। करेंगे सबसे पहले 99 है, 99, और इसको मिलियन हम राइट कर देंगे क्योंकि मिलियन का स्लॉट है। इसके बाद थाउजेंड का स्लॉट थ्री डिजिट है, थ्री को रीडिंग करेंगे 985, 980, ठीक है, 85, और ये थाउजेंड के स्लॉट में है तो थाउजेंड आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 985 थाउजेंड। और हंड्रेड पर वन की डिजिट है तो 100 हो गया, 100, टेंस में कुछ नहीं है, टू आ जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास 99,985,102। एंड हमारे पास अब लास्ट डिजिट बचा है दिस वन, डी पार्ट, इसको राइट कर लेते हैं 480,49,831। वंस, टेंस, हंड्रेड, प्लेस वैल्यू राइट कर दिया, कॉमा, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, ठीक है, और हंड्रेड थाउजेंड, कॉमा, और मिलियन एंड टेन मिलियन। तो मिलियन में दो डिजिट हमारी कवर हो रही हैं, टेन मिलियन तक 48, तो 48 राइट कर देंगे, 48, इसको मिलियन राइट करना है, ठीक है। इसके बाद थ्री डिजिट हमने पढ़नी है 049, तो 0 100,000 है, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, 1,000 एंड 10,000 की रीडिंग करनी है, 49 हो जाएगा, तो ये राइट कर देंगे 49,000, ठीक है, 49,000। 100 पर 8 है तो 8 हो गया हमारे पास 800, और 31, ठीक है, 31, तो हमारे पास हो गया 48,049,831। आई होप कि आपको आज की वीडियो के सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको हमारा व्हाट्सएप का हेल्पलाइन नंबर को प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप हमें व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ की हेल्प से सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट ना रहे और इजीली आप क्वेश्चन कर पाएँ। तो स्टूडेंट्स, आपको आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी कोई आपकी वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। ओके बेटा, बस आज के लिए इतना ही।